हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉस्मोनॉट इंटरनेशनल स्कूल्स। सो आज हम सेवन्थ क्लास मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है वो दोबारा स्टार्ट करेंगे। सो आपको जैसे पता है कि पीछे हमने समर वेकेशन के लिए आपकी छुट्टियां की थी 1 मंथ की। जो आज वो आपकी छुट्टियां वो कंप्लीट हो गई है। अब आपका डेली का होमवर्क आया करेगा और आपको उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी विल कंप्लीटेड आवर 2 चैप्टर ऑफ द 7th क्लास मैथ, दैट आर द इंटीजर एंड डाटा हैंडलिंग। सो पीछे हमने जो हमारे पीछे जितने भी लेक्चर हुए हैं उसमें हमने 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। एक तो इंटीजर चैप्टर जो आपका पहला है और एक डाटा हैंडलिंग चैप्टर जो 3rd चैप्टर है। सो आई होप यू हैव कंप्लीटेड दीज 2 चैप्टर एंड यू ऑल्सो कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन आंसर ऑफ दीज 2 चैप्टर्स। सो आपने मेरे को लगता है भी इस दोनों चैप्टर के कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे कंप्लीट कर दिए होंगे। सो जिसमें आपको डाउट है वो आप अपनी जो ऐप है, जो अपने स्कूल की ऐप है, उसके अंदर आप फीडबैक का एक ऑप्शन आता है उस पर जाके और वो आप क्या कर सकते हो, डाउट मेरे से पूछ सकते हो जिस भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम है, जो पीछे के 2 चैप्टर करवाए हैं उनमें भी, और अभी आपको जो ये हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ये साथ के साथ करते जाना है ताकि जो भी डाउट आए वो आपका साथ के साथ क्लियर होता जाए। ठीक है। सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज द लीनियर इक्वेशंस। सो आज हम अपना एक नया चैप्टर लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, वी विल डिस्कस मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड ऑल्सो लर्न मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ इट। सो इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, इस चैप्टर में हम स्टडी लीनियर इक्वेशन के बारे में करेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है और मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, ठीक है, और क्या मेथड है जिससे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्या मेथड है जिससे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर देखो आपको क्या दिया गया है, कुछ इक्वालिटीज दी गई है। क्या दी गई है, कुछ इक्वालिटीज दी गई है। कैसी, देखो स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी 9 + 5 = 14। सो दिस इज ऑलवेज इक्वल, जो 9 और 5 का जो एडिशन है वो किसके इक्वल होता है, 14 के इक्वल है। एंड 10 - 3 = 7, 2 × 4 = 8, 6 + x = 12, एंड 3 × 5 = 17, एंड 15 + 5 < 1। सो ये आपको कुछ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटीज दी गई है। सो अगर आप इसमें देखें तो क्या पहली इक्वेशन जो आपको बताई गई है कि 9 में जब हम 5 ऐड करते हैं तो वो 14 के इक्वल आती है, आती है। सो ये जो है ये हमारी पहली स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटीज है, इसके अंदर ये इक्वल आ रही है। उसके बाद में 10 में से अगर आप 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या वो 7 के इक्वल आएगा, हाँ आएगा। अभी आप देखें फोर्थ एग्जाम्पल में देखो आपको क्या दिया गया, 6 + x = 12। हेयर यू हैव टू गिवन ए वेरिएबल x, इसको बोलते हैं वेरिएबल। इसमें आपको क्या दिया गया है, एक वेरिएबल दिया गया है, ठीक है। ये इंग्लिश के अल्फाबेट में से आपका जो x होता है उसको लिया गया है यहाँ पे, जो स्मॉल लेटर में जब आप x को राइट करते हैं तो 6 + x = 12। तो यहाँ पे x जो है वो क्या होगा, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ द x, हमारे को यहाँ पे वैल्यू ऑफ x है वो अननोन है, ठीक है, पता नहीं है क्या होगी, ठीक है। लेकिन हमारे को ये बात बोली गई है कि 6 + x = 12, जो 6 + x है वो किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। तो जब हमारा इसके बीच में अगर देखिए आप इक्वालिटी का साइन है, ये किसका साइन है, इक्वल का साइन है, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप देखें तो ये वाली जो साइड होती है, इस इक्वल के साइन के ना दो साइड्स में आपको वैल्यूज दी गई है, ठीक है। सो कौन कौन सी है वो, एक तो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, और ये है राइट हैंड साइड। तो ये वाली जो रहेगी वो क्या रहेगी, आपकी राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आप फिफ्थ एग्जाम्पल में देखें तो हमारे को इक्वल का साइन नहीं दिया गया है, ठीक है। सो इनको बोलते हैं हम इक्वालिटीज, इनको क्या बोलते हैं हम,
इक्वालिटीज। सो इसके अंदर देखो, जब हमारी इन इक्वालिटीज में, अगर आप जैसे इसमें देखें, इन इक्वालिटीज में सभी में कॉन्स्टेंट थे, लेकिन इसमें एक वेरिएबल दे दिया एक्स, तो हमारे को क्या है कि ये इस तरीके की जो इक्वेशन होती है ना, जिसमें वेरिएबल ऐड हो जाता है, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। उसको क्या बोलते हैं आप? लीनियर इक्वेशन। एक एग्जांपल देखो, जैसे पीछे वाले में ले रखा है हमने, 9 + 5 होता है वो क्या होता है? 14 होता है। 9 + 5 की जगह मैं क्या राइट कर देता हूं? x = 14। x इक्वल टू क्या हो गया? 14 हो गया। तो एक बात बताओ, ये हमारी क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। ये हमारी क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। इसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। जब हमारा कोई जो वैल्यूज होती है उसको हम वेरिएबल की फॉर्म में ले लेते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? लीनियर इक्वेशन। अब अगर आप देखें तो एक्स जो है क्या 5 के इक्वल था या नहीं था? यहाँ पे x जो है वो 5 के इक्वल था, लेकिन 5 की जगह मैंने क्या ले लिया? x ले लिया। तो जब अपना x की ये वैल्यू 5 इन दोनों से फाइंड आउट करते हैं, तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। और जिन मेथड का यूज करते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालने के लिए, वो हम आगे जो हमारे लेक्चर आएंगे उनके अंदर आप डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वी विल फाइंड द मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर इक्वेशन। अच्छा, इसमें क्या है कि हमने एक ही वेरिएबल लिया है, वी विल पुट वन वेरिएबल इन दीज इक्वेशन, सो वी विल कॉल दीज इक्वेशन आर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नाउ वी हैव टू गिवन सम एग्जांपल, सो वी विल सॉल्व सम एग्जांपल ऑफ दिस चैप्टर। चेक द वेदर द वैल्यू ऑफ ए गिवन ब्रैकेट इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। हमारे को ये चेक करना है कि जो ब्रैकेट में हमारे को वैल्यू दी गई है, क्या वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो देखो, हमारे को क्या चीज दी गई है? 7n + 5 = 26, और ब्रैकेट में वैल्यू दी गई है n = 3। तो हमारे को ये चेक करना है कि n = 3 है वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो देखो कैसे चेक करेंगे हम, क्या करेंगे, ये n की जो वैल्यू है वो उठा के यहाँ पे रख देंगे, देन 7 × n कितना है? 3 + 5 = 26। अब 7 की मल्टीप्लाई 3 के साथ क्या आएगा? 21 + 5 = 26। तो ये हमारा जो n है वो 3 जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम किसको बोलते हैं कि जो ये इक्वालिटी, जो इक्वल का साइन दिया गया ना, इसको होल्ड करे। इक्वल का साइन दिया गया, इसको क्या करे? होल्ड करे। जब भी आप कोई वैल्यू ले वेरिएबल की, तो वो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करवानी चाहिए, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाता है? उसका सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस आवर सेकंड क्वेश्चन एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल। सो व्हाट यू हैव टू गिवन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। आपको क्या करना है? ट्रायल एंड एरर मेथड लगा के आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अल्टीमेटली आपका एम क्या है यहाँ पे? What is your aim? You have to find the value of m. आपको m की value find out करनी है कि m की आप क्या value ले, ताकि इसके अंदर जब आप put करें तो हमारा 6 के equal आ जाए। इसके equal आ जाए? 6 के equal आ जाए। तो देखो, हमारी left hand side और right hand side मैंने बोला था आपकी equal होनी चाहिए। ये हमारी क्या है? Left hand side। और ये हमारी क्या है? राइट हैंड साइड। सो ये दोनों हमारी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड में -9, राइट हैंड साइड में 6, m = 1 आएगा हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का 9 और राइट हैंड साइड 6, दैट इज इक्वल टू m की वैल्यू 1। कब ये हमारा कब आएगा? जब आप m की वैल्यू 1 लेंगे ना, m की वैल्यू 1 लेंगे। देखो, 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करूँ और -14, देन 5 - 14, और हमें पता है 5 - 14 क्या आता है? -9। तो m की वैल्यू 1 ली तो लेफ्ट हैंड साइड -9, m की वैल्यू 2 ली देन लेफ्ट हैंड साइड -4 और ये 6, m की वैल्यू 3 ली तो ये 1 और ये 6, और m की वैल्यू जब अपन ने 4 ली तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गए? इक्वल आ गए। तो हमारा m = 4, m = 4 है वो सॉल्यूशन हो जाएगा किसका? गिवन इक्वेशंस का। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस का क्या करना है? सॉल्यूशन करना है, ठीक है।
So this is all about what is the linear equation in one variable and what are the solution of the linear equation in one variable. So आपको exercise 4.1 दी गई है, तो आपको क्या करना है, इनका solution निकालना है. Complete the column of the table. Table के column को complete करना है, equation दे दी, value दे दी. Whether the equation is satisfied, yes or no. आपको ये लिखना है कि equation satisfied होती है या नहीं होती है. तो देखो x की value क्या put करो इसमें, जीरो पुट करो, तो जीरो प्लस फाइव इज इक्वल टू टू. देन जीरो प्लस फाइव क्या होता है, फाइव इज इक्वल टू टू. तो क्या फाइव टू के इक्वल होता है, नहीं होता. तो ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, नो. हेयर वी विल राइट नो एज आवर आंसर. सो इस तरीके से आपको जो एक्सरसाइज 4.1 है इसके क्या करने हैं, क्वेश्चन के जो सोल्यूशन है वो आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. Now, this is the end of your lecture. You have to complete exercise 4.1 as your homework. And अगर आपके कोई जो doubt आते हैं वो आप क्या करोगे, अपनी app के अंदर जो आपका feedback का option दिया गया है उसमें आप जाना है और आप जो भी question आपका doubt में वो doubt में आप छोड़ देना, मैं आपका उसको solution जो है वो यहाँ पे lecture के अंदर करवा दूंगा या मैं आपको personally जो है वो करके भेज दूंगा solution. So this is the end of your lecture. Thank you.